आप कुछ भी नहीं जानते, इस बात का ज्ञान होना ही दुनिया का एकमात्र सच्चा ज्ञान है। सोक्रेटिस। दोस्तों, दुनिया के सबसे महान फिलोसफर्स में शुमार किए जाने वाले सोक्रेटिस का नाम आपने पहले भी कई बार सुना होगा। वो एक ऐसे फिलोसफर थे जो अपने विचारों से दुनिया में क्रांति ले आए थे और अपनी टीचिंग्स के जरिए उन्होंने लोगों के सोचने का नजरिया ही बदल दिया था। अब सोक्रेटिस को लेकर बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आते हैं कि वो कौन थे, उन्हें इतना महान क्यों माना जाता है, आज उन्हें वेस्टर्न फिलॉसफी का फाउंडर क्यों कहा जाता है, और ऐसी क्या वजह थी कि माफी मांगने की जगह उन्होंने जहर पीकर अपनी जान दे दी। इन्हीं सभी सवालों के जवाब हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सोक्रेटिस प्राचीन ग्रीस यानी यूनान के एक ऐसे फिलोसफर थे जिन्हें आज भी इतिहास के सबसे महान फिलोसफर्स में शुमार किया जाता है। वे यूनान के मशहूर शहर एथेंस के अंदर सन 470 BC से 399 BC के बीच रहे थे। हालांकि इस बात को दावे के साथ नहीं कहा जा सकता क्योंकि अलग अलग सोर्सेस में उनकी जन्म और मृत्यु की तिथि अलग अलग लिखी हुई है। दोस्तों, सोक्रेटिस अपने विचारों को किसी किताब या नोटबुक में नहीं लिखते थे बल्कि वो सड़कों पर खड़े होकर ऐसे ही लोगों को शिक्षाएं देते थे। इसलिए आज हमें उनकी शिक्षाओं के बारे में जितनी भी जानकारी देखने को मिलती है वो सभी सोक्रेटिस ने नहीं बल्कि उनके शिष्यों जैसे प्लेटो, जेनोफोन और एरिस्टोटल आदि के द्वारा लिखी गई हैं। उस समय एथेंस में सोक्रेटिस के बहुत से शिष्य और चाहने वाले हुआ करते थे। खास तौर से वो उस समय के यंग लोगों के बीच काफी ज्यादा फेमस थे, लेकिन उन सभी में उनका सबसे बड़ा शिष्य प्लेटो को माना जाता है। साथ ही सोक्रेटिस के बारे में आज हमें जितनी भी जानकारी मिलती है उसमें सबसे ज्यादा प्लेटो के द्वारा ही लिखा गया है। और इन सभी लोगों की राइटिंग से हमें ये पता चलता है कि सोक्रेटिस एथेंस के अंदर एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था जहां उनके पिता स्टोन मेसन या कहें एक संगतराज थे। उनकी फिजिकल अपीयरेंस की अगर बात करें तो उनका कद छोटा था और आंखें बाहर को निकली हुई थी। कहते हैं कि अपने पिता की तरह सोक्रेटिस ने भी कुछ समय तक शिल्पकारी का काम किया था। इसके अलावा वे एक सिपाही भी रहे थे जहां उन्होंने एथेंस की तरफ से एक युद्ध में भाग भी लिया था और इस युद्ध के बाद ही वो एक फिलोसफर बने थे। अब सोक्रेटिस ने फिलॉसफी में कदम क्यों रखा और उन्हें दुनिया के दूसरे फिलोसफर से इतना ज्यादा खास क्यों माना गया, ये समझने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि सोक्रेटिस से पहले दुनिया में कौन कौन से फिलोसफर हुए और उन्होंने लोगों को क्या शिक्षाएं दी। दोस्तों, जो फिलोसफर सोक्रेटिस से पहले हुए उन्हें प्री सोक्रेटिक फिलोसफर कहा जाता है और इन फिलोसफर्स में मिलेसियन थेल्स, एनाक्सिमेंडर और डेमोक्रेटस जैसे फिलोसफर शामिल थे। इन सभी फिलोसफर्स के बीच एक चीज कॉमन थी, वो ये कि फिलोसफी में इन सभी के सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी पृथ्वी और ब्रह्मांड जैसी चीजें हुआ करती थी। यानी ये फिलोसफर मटेरियल वर्ल्ड को समझना चाहते थे और इन सभी का पूरा अध्ययन सिर्फ इसी विषय पर होता था कि यूनिवर्स किस तरह से काम करता है, यूनिवर्स किस चीज से बना है और प्रकृति में चेंजेस कैसे होती हैं। ये सभी फिलोसफर इस तरह के सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करते थे। कोई कहता था कि यूनिवर्स में हर एक चीज पानी से बना है, तो वहीं कुछ का ये कहना था कि नेचर में जितने भी बदलाव हमें देखने को मिलते हैं उनके पीछे कोई भी खास प्रिंसिपल नहीं है, यानी जो दिख रहा है, जो हो रहा है, सिर्फ वही हकीकत है। दोस्तों, सोक्रेटिस के फिलॉसफी में आने से पहले ग्रीस के अंदर सोफिस्ट भी काफी फेमस थे। ये सोफिस्ट एक तरह के टीचर होते थे जो लोगों को पैसों के बदले शिक्षाएं देते थे। मुख्य रूप से ये ग्रीस के लोगों को बिजनेस और पॉलिटिक्स में सफलता हासिल करने के गुण सिखाते थे। इन सोफिस्ट की फिलॉसफी ये थी कि यूनिवर्स में कुछ भी फिक्स्ड नहीं है और चूंकि यूनिवर्स में लगातार सब कुछ बदल रहा है इसलिए जस्टिस, सच और विजडम जैसी चीजों का मतलब भी फिक्स्ड नहीं हो सकता। दोस्तों, सोक्रेटिस सोफिस्ट के इन फिलॉसफी से एग्री नहीं करते थे और उनके फिलॉसफी में कदम रखने के पीछे भी सबसे अहम वजह यही थी। उन्होंने लोगों को ये बताया कि सोफिस्ट का ऐसा कहना कि जस्टिस, ट्रुथ और विजडम जैसी चीजों का मतलब फिक्स नहीं हो सकता, ये पूरी तरह गलत है। असल में सोक्रेटिस ने ऐसा कभी नहीं कहा कि उन्हें सब चीजों के बारे में पता है या वो दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी हैं, बल्कि वो तो ये कहते थे कि किसी इंसान का ये समझ लेना कि उसको कुछ भी मालूम नहीं है, यही सबसे बड़ा और सबसे सच्चा ज्ञान होता है। फिलॉसफी में कदम रखने के बाद सोक्रेटिस ने उन चीजों के बारे में सवाल उठाए जिनके बारे में दुनिया के किसी फिलोसफर ने सोचा तक नहीं था। उन्होंने सवाल उठाया कि जस्टिस क्या होता है और इंसान के लिए जिंदगी जीने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। यानी पहले फिलॉसफी का जो मेन फोकस प्रकृति, पृथ्वी और यूनिवर्स जैसी चीजों की सच्चाई जानने पर था, वो फोकस शिफ्ट होकर इंसान और इंसान के जीवन की समस्याओं पर आ गया था और इसका पूरा पूरा श्रेय सोक्रेटिस को ही दिया जाता है। दोस्तों, वेस्टर्न फिलॉसफी में आज भी
उन्हीं सवालों के जवाब खोजने की कोशिश की जा रही है जिनका सबसे पहले सोक्रेटिस ने जवाब देने की कोशिश की थी, और यही वजह है कि उन्हें आज वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी का फाउंडिंग फादर कहा जाता है। अब चूंकि उस जमाने में इंटरनेट जैसी कोई चीज तो थी नहीं जिसके जरिए सोक्रेटिस अपने विचारों को लोगों तक पहुंचा सके, इसलिए वे लोगों को शिक्षा देने के लिए ऐसे ही गलियों और सड़कों में निकल जाया करते थे, और जहां भी उन्हें कुछ लोग दिखाई देते वो उन्हें अपनी शिक्षाएं देना शुरू कर देते। दोस्तों कहते हैं कि जो व्यक्ति सोक्रेटिस को एक बार सुन लेता था वो जिंदगी भर के लिए उनका मुरीद हो जाता था, और यही वजह थी कि उनके फॉलोअर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। खास तौर से उस समय के युवाओं के बीच वो काफी ज्यादा पॉपुलर थे। दरअसल सोक्रेटिस खुद जानबूझकर अपनी शिक्षाएं देने के लिए युवाओं को ही ज्यादा टारगेट करते थे। वो कहते थे कि किसी भी बात को ऐसे ही किसी से सुनकर सच मत मानो, बल्कि उसके पीछे की वजह का पता लगाओ और उसके लॉजिक को समझने की कोशिश करो। इस तरह से उन्होंने लोगों को सवाल पूछना और तर्क करना सिखाया था। दोस्तों ये वो समय था जब राजाओं और महाराजाओं के शासन होते थे, और उस समय दुनिया में धर्म के नाम पर बहुत से अलग अलग देवी देवताओं को पूजा जाता था। अब उस समय कोई भी व्यक्ति किसी देवी देवता को लेकर अगर कोई सवाल भी उठाता तो ईश्वर की निंदा करने के आरोप में उसे सीधा मौत की सजा सुना दी जाती थी। ऐसे समय में सोक्रेटिस ने बिना डरे हर उस चीज के बारे में सवाल उठाया जो गलत थी, और उस समय उनका ये सवाल उठाना ही एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अपने इन्हीं सवालों से वो ग्रीस के अंदर एक क्रांति लाए थे। ज्ञान के बारे में सवाल पूछने पर सोक्रेटिस कहते थे कि नॉलेज को ना तो पढ़ाया जा सकता है और ना ही सीखा जा सकता है। नॉलेज हर एक इंसान के अंदर होती है जिसे वो व्यक्ति खुद ही बाहर निकाल सकता है। अब सवाल ये आता है कि अपने अंदर छिपे इस नॉलेज को बाहर कैसे निकाला जाए। इसके जवाब में सोक्रेटिस कहते हैं कि नॉलेज को सिर्फ डायलेक्टिक्स मेथड से ही बाहर निकाला जा सकता है, जिसे दूसरे शब्दों में हम सोक्रेटिक मेथड भी कहते हैं। सोक्रेटिक मेथड असल में दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाली बातचीत या कहें एक आर्गुमेंट होता है, जिसमें सबसे पहले किसी भी एक विषय को लेकर एक ओपिनियन रखा जाता है। इसके बाद इस विषय को लेकर तब तक आर्गुमेंट होती रहती है जब तक कि ये बातचीत किसी ऐसे पॉइंट पर ना पहुंच जाए जहां इसको आगे बढ़ना पॉसिबल ना हो। और सोक्रेटिस के अनुसार ये जो फाइनल आर्गुमेंट पॉइंट होता है इसी को ज्ञान कहा जाता है। इसीलिए सोक्रेटिस कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति कभी भी अकेले बैठकर नहीं हो सकती, इसके लिए आपको डायलेक्टिक्स के मेथड से गुजरना ही होगा, और उसके लिए आपको कम से कम एक व्यक्ति की जरूरत तो पड़ेगी ही। इसलिए सोक्रेटिस भी एथेंस की गलियों और सड़कों पर निकलकर रास्ते से गुजरने वाले किसी भी व्यक्ति को रोकते और उससे सवाल पूछना शुरू कर देते। असल में सोक्रेटिस को आम लोगों से कोई मतलब नहीं था, बल्कि उनका टारगेट एथेंस के सिर्फ वो लोग होते थे जो खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी मानते थे। ऐसे लोगों से जब सोक्रेटिस का सामना होता था तो उनके आर्गुमेंट्स को सुनने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती थी, क्योंकि सोक्रेटिस उनसे ऐसे ऐसे सवाल पूछते जिन्हें सुनकर वो लाजवाब हो जाते। इस तरह जब वो ज्ञानी लोग आर्गुमेंट में सोक्रेटिस से हारते थे तो सभी लोगों के सामने उनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती होती थी, और इसी के चलते एथेंस के अंदर बहुत कम समय में ही सोक्रेटिस के बहुत से दुश्मन बन गए थे। और इसका नतीजा ये हुआ कि एथेंस के कुछ पावरफुल लोगों ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। कहते हैं कि सोक्रेटिस पर युवाओं को भटकाने, ईश्वर की निंदा करने और नास्तिकता फैलाने के झूठे आरोप उसी षड्यंत्र के चलते लगाए गए थे। इन आरोपों के चलते सोक्रेटिस पर एक मुकदमा चलाया गया जहां 500 लोगों की एक ज्यूरी बैठी। अब उस समय आज के जैसा जस्टिस सिस्टम तो होता नहीं था जहां मुकदमा लड़ने के लिए एक वकील किया जाता और तरीके से पूरे मामले की जांच पड़ताल होने के बाद ही फैसला सुनाया जाता, बल्कि उस समय ज्यूरी जो फैसला सुनाते थे उसी को आखिरी सच माना जाता था। इस मुकदमे के दौरान सोक्रेटिस को अपने डिफेंस में बोलने का मौका दिया गया, और कहते हैं कि उस समय सोक्रेटिस इतना जबरदस्त बोले थे कि वहां मौजूद हर एक व्यक्ति उनकी बातों को सुनकर पूरी तरह हैरान रह गया था। लेकिन चूंकि ये पूरा मुकदमा एक षड्यंत्र रचकर चलाया जा रहा था, इसलिए सोक्रेटिस का बोलना या ना बोलना कुछ मायने नहीं रखता था। दोस्तों सोक्रेटिस की बात खत्म होने के बाद ज्यूरी उनसे कन्विंस नहीं हुई, और ज्यूरी ने यह फैसला सुनाया कि अगर सोक्रेटिस अपनी जुर्मों की माफी मांगकर लोगों से सवाल पूछना और फिलॉसफी करना बंद कर दें तो उनकी जान बख्श दी जाएगी, वरना सोक्रेटिस को हेमलोक यानी जहर का प्याला पीना होगा। अब दोस्तों सोक्रेटिस अगर चाहते तो माफी मांगकर अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन किसी ऐसे गुनाह के लिए माफी मांगना जो उन्होंने किया ही ना हो ये उनके सिद्धांतों के खिलाफ था। सोक्रेटिस कहते थे कि फिलॉसफी को छोड़ने का मतलब नॉलेज और विजडम की सर्च को छोड़ने के जैसा है, और ये उनके लिए मौत से कहीं ज्यादा बढ़कर था, इसलिए उन्होंने जहर के प्याले को पीना सही समझा।
दोस्तों सोक्रेटिस के उस अंतिम समय में उनके बहुत से फॉलोवर्स उनके साथ मौजूद थे और वो सभी अपने गुरु से बिछड़ने के चलते बहुत ज्यादा दुखी थे। प्लेटो ने अपनी राइटिंग्स में बताया है, बड़ी ही शांति से एक कोने में जाकर बैठ गए थे और वहीं बैठे बैठे कुछ ही पलों में उनका देहांत हो गया और इस तरह उनके दुश्मन उनके शरीर को नष्ट करने में तो कामयाब हो गए, लेकिन जो विचार और शिक्षाएं सोक्रेटिस अपने फॉलोवर्स को दे गए उन्हें वो कभी मिटा नहीं सके। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।